अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। उम्मीद आप सब खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आफियत और सलामती में रखे। एक और नए व्लॉग में आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आपको ये व्लॉग भी पसंद आएगा, और गुज़िश्ता जैसे व्लॉग आप शौक़ से देख रहे हैं, ये व्लॉग भी आप इंशाल्लाह पूरा देखेंगे। आज का ये जो व्लॉग मैं बना रहा हूँ, तो हमारा जो सफ़र है मैं इसको सरप्राइज़ रखता हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त जगह हम जा रहे हैं। और लुसाका से ये तकरीबन 5 घंटे की ड्राइव है, तो आप आखिर तक वीडियो को देखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप इंशाल्लाह लुत्फ़अंदोज़ होंगे। सवारी पे हम सवार हो चुके हैं, इसलिए हम दुआ पढ़ते हैं। सुभानल्लज़ी सख़्खर लना हादा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। ये आम तौर पर हम सफ़र की दुआ के तौर पर पढ़ते हैं, जबकि सफ़र की एक और दुआ है, ये सवारी पर सवार होने की दुआ है। सफ़र की दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका फ़ी सफ़रिना हाज़ल बिर्रा वत्तक्वा व मिनल अमली मा तर्ज़ा। अल्लाहुम्मा हव्विन अलैना सफ़रना हाज़ा व अतिअन्ना बुअदा। अल्लाहुम्मा अंता साहिबु फ़िस सफ़र वल ख़लीफ़तु फ़िल अहल। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन वअथा'इस सफ़री व काब्बतिल मंज़री व सू'इल मुनक़लबी फ़िल माली वल अहल। ये मुस्तनद दुआ है, और आप ये गूगल पे सर्च करके भी निकाल सकते हैं। इसको दुआ को ज़रूर पढ़ना चाहिए, और सफ़र के दौरान सीट बेल्ट लाजमी बांधनी चाहिए, स्पीड लिमिट्स का ख्याल रखना चाहिए, और आखिर तक आप वीडियो देखें। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको ये व्लॉग पसंद आएगा। शिमा बाला टोल प्लाजा, टोल प्लाजा हम क्रॉस करने लगे हैं भाई। यहाँ भी टोल प्लाजा देना पड़ता है। सुभान अल्लाह, टूल टैक्स ले लिया भाई। कैमरा भी लगा हुआ है, इशारा भी दिया हुआ है। तीनों मेन रोड है ना, वो पूरा टैक्स देने के बाद आप जा सकते हैं। मेन एक्सप्रेस वे है ना ये? अच्छा जी, सफ़र में हमारे साथ एज यूजुअल हमारे साथ ज़हीर साहब हैं, खानजादा भाई भी हैं, और आरिफ साहब भी हैं जी आज हमारे साथ सफ़र में। तो ये 5 घंटे की ड्राइव है, चलते हैं इंशाल्लाह। आगे खूबसूरत मनाजिर भी मैं आपको दिखाऊंगा, और जहां हम जा रहे हैं वहां पहुंच कर इंशाल्लाह आपसे मज़ीद बात करते हैं। बहुत खूबसूरत मस्जिद बनी हुई है माशाल्लाह। जगह का नाम क्या है हज़रत? ये कफ्यूए। कफ्यूए, कफ्यूए कितने मुश्किल मुश्किल नाम रखे हैं फुए की तरह ही है जी। पे हिप्पोस भी है, अच्छा कई जगह पे शायद क्रोकोडाइल्स भी है। रिवर है ये, कफ्यूए रिवर है ये। दरिया से हम बोटिंग के लिए आते हैं, खुद की बोट लेके भी और यहाँ पे किराए पे भी लेते हैं। सही 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 सही, वो पीछे बोट्स खड़ी भी हैं काफी सारी। बहुत प्यारी जगह थी माशाल्लाह, रिवर कितना प्यारा है, साफ सुथरा। यहाँ से हम मज़बूका जा रहे हैं राइट साइड पे, राइट साइड सही है, और सीधा कहाँ जा रहा है? चिरुंडू जाता है, वो जाम्बिया और जिम्बाब्वे का बॉर्डर लगता है वहाँ पे। अच्छा नजदीक है वो भी। सही सही सही, 100 किलोमीटर ऊपर होगा ये। हम अभी मज़बूका टाउन पहुंच चुके हैं जी, ये इंटर हो गए हम। ये देखें ये बोर्ड लगा हुआ है, सिटी में इंटर हो गए हैं मज़बूका। पेट्रोल स्टेशन और काफ़ी सारी यहाँ मार्केट है। ये हमारे सामने बड़ा ट्रेलर है, ये जा रहा है इस वक्त साउथ अफ्रीका, और इसके ऊपर ना ये कॉपर, यहाँ से ये लोग वहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं, और ये रैप की सूरत में है। तकरीबन ये 30 टन का है ट्रक, और 29 टन तकरीबन इसके ऊपर जो है ना लोड करते हैं। जाम्बिया की इकॉनमी चूँकि यहाँ कॉपर बहुत ज़्यादा है, तो कॉपर पे ही डिपेंड करती है। मैंने कहा आपको ये इन्फॉर्मेशन भी दे देते हैं। इतने सारे हैं यार ये तो, एयरटेल मनी और
पता नहीं क्या क्या एग्जाम टेल भी है, ये चेक करें जी बैलेंस वगैरह के लिए और मनी ट्रांसफर के लिए ये सारे इतने सारे एक साथ। वाह, साइकिल चलाने के शौकीन लोग देख सकते हैं जी, गाड़ी के ऊपर लगाई हुई है साइकिल। किबे मुसुकोटवानी गुड आफ्टरनून। और हम ये टूल प्लाजा क्रॉस कर रहे हैं जी, टूल टैक्स अदा करके। प्रोटिया होटल है जी ये लिविंगस्टन में, बहुत प्यारा होटल है। इंशाल्लाह वापसी में आपको पूरा होटल दिखाता हूँ। फाइनली हमने जहाँ पहुँचना था हम वहाँ पहुँच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत खूबसूरत ये होटल है जहाँ आज हमारा क़याम है। उस तरफ से दिखाएं थोड़ा सा। अभी यहाँ जल्दी से फ्रेश होंगे, वज़ू करेंगे, नमाज पढ़ेंगे और फिर आगे चलेंगे जहाँ हमने जाना था। अल्हम्दुलिल्लाह जल्दी से वजू करते हैं ताकि फिर नमाज पढ़ें और फिर आगे जहां हमने जाना है वहां पर चलते हैं, फिर आपसे बात होगी इंशाल्लाह जी। तो मैंने आपसे कहा था कि इंशाल्लाह ये सरप्राइज़ है, तो सरप्राइज़ को रिवील करते हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त लिविंगस्टन में हैं और हम अभी जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं हज़रत? विक्टोरिया फॉल्स पर जा रहे हैं। सुभानअल्लाह, तो चलें चलते हैं विक्टोरिया फॉल्स, फिर वहाँ बात करेंगे इंशाल्लाह। और आपको दिखाता हूँ विक्टोरियन फॉल्स भी। क्या अहिंदा, ये क्या होता है? जा रहे हैं हम होटल से निकल चुके हैं और यहाँ से तकरीबन 3-4 किलोमीटर की ड्राइव है और हम इंशाल्लाह विक्टोरिया फॉल्स में पहुँच जाएंगे। अच्छा, इसको विक्टोरिया फॉल्स क्यों कहते हैं? के डेविड लिविंगस्टन ने जब स्लेव्स के साथ डिस्कवर किया था तो इंग्लैंड से था, तो उन लोगों ने वो हिसाब से क्वीन विक्टोरिया विक्टोरिया के नाम से उन लोगों ने ये विक्टोरिया फॉल्स इसका नाम रखा। अच्छा सही, ठीक है। हम अभी इंटर हो रहे हैं। वेलकम टू वर्ल्ड हेरिटेज साइट। सबसे पहले आप ये रिवर देख लें, क्योंकि यही रिवर है जो जाके उन विक्टोरिया फॉल्स में गिरता है। वो आप देख रहे हैं पानी कैसे उड़ रहा है, बहुत स्पीड में नीचे चूंकि गिर रहा है तो इसी तरह पानी ऊपर उड़ भी रहा है। अब जब हम वहाँ जाएंगे तो आप देखेंगे कि हम वहाँ पे रेनी कोट वगैरह ओढ़ेंगे, उसके बाद भी हमें काफ़ी कपड़े गीले होंगे हमारे, बहुत पानी होगा। तो ये वो खूबसूरत रिवर है जिसका पानी जो है उस विक्टोरिया फॉल्स पर गिरता है। बहुत खूबसूरत है, सुभान अल्लाह।
सही सही सही। चलें जी बैठें। बिस्मिल्लाह। ये देखें ये इनकी चीज़ें हैं जो ये बनाते हैं हाथ से, बहुत खूबसूरत खूबसूरत डेकोरेशन पीसेस बनाते हैं। ये देखें मुकुनी। अच्छा सही 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 सही। एंट्रेंस टू द फॉल्स, यहाँ से हम इंटर होंगे और ये देखें जी सुभान अल्लाह। एक स्पॉट ये है जहाँ से ये नजर आए। नहीं पहना आरिफ भाई ने भी नहीं पहना, जही साहब ने पहन लिए, मैंने भी पहन लिया। अच्छा मैं अब इसमें कैसा लग रहा हूँ आप लोग बताएं। और दूसरा ये भी कि मैंने नात शूट करनी है तो नात मैं इसी में शूट करने लगा हूँ। एक स्पॉट ये है यहाँ से देखें कितना पानी आ रहा है। मेरी स्क्रीन यकीनन गीली हो रही होगी और शायद आप महसूस कर सकें उसको देख सकें। हम जा रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे बारिश हो रही है जबकि ये बारिश नहीं हो रही, वही वाटरफॉल से पानी हमारे ऊपर उसकी बहुत सारी छींटें पड़ रही हैं। हाँ दादा भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मज़ा आ रहा है। अच्छा बारिश भी शुरू हो गई है ना। मैं समझ रहा था कि सिर्फ ये वाटरफॉल से पानी आ रहा है लेकिन बारिश भी हो रही है और बहुत प्यारा मौसम हो रहा है अभी। आप तो पहले आए हुए होंगे, आप भी आए हुए हैं ना? जबरदस्त। ये वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट वाटरफॉल है और 2 किलोमीटर पर ये मुहित है और इसका तकरीबन 40% आलमोस्ट जो है वो यहाँ जाम्बिया में है, बाकी का 60% वो जिम्बाब्वे में मिलता है। सुभान अल्लाह 2 किलोमीटर की ये वाटरफॉल है, बहुत खूबसूरत है। सुभान अल्लाह ये देखकर दिल से निकल रहा है। सुभान अल्लाह क्या तख्लीक है मेरे अल्लाह की। सुभानअल्लाह व बिहम्दिही सुभानअल्लाहिल अज़ीम सुभानअल्लाह व बिहम्दिही सुभानअल्लाहिल अज़ीम। 9th ब्रिज है ये जी, 1968 में बनाया गया है। ये सामने है रेनबो फॉल्स जा रही हैं राइट साइड पे और डेंजर पॉइंट जा रहा है सीधा सीधा
जॉर्ज टू जाएगा यहाँ से। हम फिलहाल जा रहे हैं रेनबो फॉल्स की तरफ। ये देखिए, ये जो ये एरिया है ये जिम्बाब्वे है और यहाँ चंद लोग हैं बस। ये जो सामने पुल नजर आ रहा है ब्रिज, इससे लेफ्ट साइड पे जाम्बिया है और ये सामने राइट साइड पे ये जिम्बाब्वे का एरिया है। यानी अभी जहां हम खड़े हैं ये बिल्कुल एंड स्पॉट है इस जाम्बिया का। हिस्टोरिक विक्टोरिया फॉल्स ब्रिज, ये आप इसकी तारीख पढ़ लें जी। और ये सामने वो ब्रिज है, 1904 में बनाया गया है। अच्छा, और इसके ये लेफ्ट साइड पे जाम्बिया है, राइट साइड पे जिम्बाब्वे है, कंफर्म सही। और ये सामने ये वही ब्रिज है जिस पे बंजी जंपिंग करते हैं जी। वो सामने गाड़ी पार हो रही है जी, एक हो गई और दूसरी ये वाइट गाड़ी पार होने लगी है, ये जिम्बाब्वे में एंटर हो जाएगी यहाँ से। दो हिंदुस्तानी भाई मिल गए। आप पाकिस्तान से हैं, क्या बात है, फिर चलें सलाम करें। अस्सलाम वालेकुम, अवैस खान, पंजाब भावलपुर। भावलपुर में कहाँ? सुभान अल्लाह, चलें माशाल्लाह। इन्होंने सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं प्रॉपर, नीचे तक जहाँ तक भी हम गए ऐसे रास्ता बना हुआ था, बिल्कुल सेफ और बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि अगर ये मिट्टी होती तो स्लिपरी होता बहुत ज़्यादा। अच्छा हज़रत देखें, इन्होंने ना ये बड़ा अच्छा काम किया है, अगर ये मिट्टी होती तो स्लिपरी होता बहुत ज़्यादा। ये लकड़ी से इन्होंने बनाए हाथी और गेंडे ज़राफ़ा। यहाँ पर डिफरेंट शॉप्स भी हैं जो ये अपनी ट्रेडिशन जो चीज़ें हैं ना वो यहाँ पे सेल करते हैं। हेलो, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम, व्हाट्स योर नेम? रिचर्ड। विक्टोरिया फॉल्स आप लोगों ने देखी होंगी अपने मोबाइल के स्क्रीन पे और यकीनन आप लोग लुत्फानंदोज हुए होंगे। उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और मिलते हैं इंशाल्लाह कल एक नए व्लॉग के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।